श्री अय्यर साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूं कि हिंदुस्तान छोड़ने और खास तौर से सिटीजनशिप छोड़ने की क्या बड़ी वजह होती है? क्या हिंदुस्तान पसंद नहीं? ये बात कॉम्प्लेक्स है विजय जी, मैं दो 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 मिनट लेना चाहता हूँ कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक चीज देखिए, Y2K का प्रॉब्लम हुआ था 2000 के पहले, 1995 से शुरू हुआ था, तो काफी भारतवासी वहां गए थे, यानी कि यूएस को गए थे कंपनीज को मदद करने में कि Y2K के प्रॉब्लम की सॉल्व करने के लिए। अब देखिए, यहाँ पर ग्रीन कार्ड 15 साल हो रहा है मिलने के लिए। ग्रीन कार्ड होने के बाद 5 साल आपको ग्रीन कार्ड होल्डर रहना पड़ता है, तब आपको सिटीजनशिप मिलती है। तो ये जो आपने कहा ना 79,000, इसमें थोड़ी सी उसका भी योगदान हो सकता है कि कई लोग अब यूएस के नागरिक बनना चाहते हैं। और ये आंकड़े हमको, वी शुड नॉट गेट टू वरीड अबाउट इससे ज्यादा, क्योंकि मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, कई देश मल्टीपल सिटीजनशिप देते हैं, यानी कि आप देखिए यूएस में आप यूएस के भी नागरिक हो सकते हैं, इंग्लैंड के भी नागरिक हो सकते हैं, भारत के भी नागरिक हो सकते हैं, इस तरह की, यानी कि यूएस तो 4-5 जितने भी देशों के नागरिक आप होना चाहें तो हो सकते हैं जी। भारत का ये नहीं है, भारत क्यों नहीं अपने नागरिकों को ये एक सुविधा दे। समझिए, मैं यूएस का हूँ, मैं यूएस का सिटीजन हूँ और मैं OCI कार्ड होल्डर हूँ। जब अगर समझो मैं 5 साल OCI कार्ड होल्डर रहा, तो मुझे ड्यूअल सिटीजनशिप की सुविधा क्यों नहीं देती भारत सरकार? ठीक है, क्योंकि अब फर्क क्या है OCI और सिटीजनशिप? मैं वोट नहीं कर सकता हूँ और एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकता हूँ, ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वोट, ये अपने आप को नागरिक समझना एक गर्व की बात है। मैं इसके लिए शायद भारत $5,000 की फी भी अगर ले करेंगे तो भी लोग देने के लिए तैयार है। तो मैं, दैट इज द फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन जो आप कह रहे थे कि 8,000 करोड़पति यहाँ से छोड़ गए हैं, अब देखिए जब उनकी इंडस्ट्री बढ़ती है यानी ग्रोथ फेज पर आती है, तो शायद उनको लगा होगा कि अगर मैं हेडक्वार्टर्स दुबई